नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। कन्या राशि 1 दिसंबर 2018 क्या कहता है? 1 दिसंबर का दिन यानी महीने का पहला दिन आपके लिए क्या शुभ लेके आया है, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पंचांग से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज के दिन को और बेहतर बनाने का उपाय, और उसके बाद मैं आपको दूंगा एक सीख यानी कि एक महामंत्र, जिसको मान गए यदि आप तो निश्चित तौर पर दिन को बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं पंचांग से। सूर्योदय होगा 7 बजे, सूर्यास्त होगा 17:19 पर, तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष नवमी, नक्षत्र रहेगा उत्तरा फाल्गुनी, योग रहेगा विषकंभ 7:44 तक, फिर प्रीति और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:49 से 12:30 तक, राहु काल रहेगा 9:35 से 10:52 तक। और आप सभी लोग राहु काल में शुभ काम ना करें तो बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ यह जो राशिफल है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने नाम की राशि या सूर्य राशि या लग्न राशि से भी इस राशिफल को देखकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कन्या राशि के राशिफल का, क्या कहती है आज की भविष्यवाणी। लग्न यानी प्रथम भाव में चंद्रमा का बैठना आज आपको शुभ फल प्रदान करेगा। दिसंबर की पहली तारीख आपके लिए शुभ है। आज आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आपके रूप व आपकी वाणी का जादू सामने वाले पर चलेगा। आज आप खुश रहेंगे, आज आप सभी लोगों के बीच उठेंगे बैठेंगे, अच्छी बातचीत करेंगे। आज आप अपने शौक पूरा करने के लिए धन व समय दोनों को खर्च करेंगे। आज आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, धर्म कर्म अध्यात्म से भी आपकी विशेष रुचि रहेगी। आज आप अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं और आपकी पीठ थपथपाई जा सकती है, आपको सम्मान मिल सकता है। आज आप धन मान सम्मान सभी कुछ कमाएंगे, नौकरी व्यापार सभी के माध्यम से धन कमाना आज आप जारी रखेंगे। हो सकता है धन कमाना आज आपका शौक ना बन जाए, या दाएं हाथ की चुटकी के समान आज आप खूब सारा धन अर्जित कर लें। प्रमोशन होगी, तरक्की होगी, पदोन्नति होगी, मान सम्मान मिलेगा, सभी कुछ आज आपको मिलने की पूरी संभावना है। नौकरी नहीं है तो इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, और यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपके मन के मुताबिक पैकेज मिलेगा या आपकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। आज आप कल्पनाशील रहेंगे, आज आप संवेदनशील रहेंगे और भावुक प्रवृत्ति के रहेंगे। जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा, प्यार मिलेगा, संतान आपकी शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की करेगी, और आप यदि कंपटीशन देना स्वयं चाहते हैं या आपकी संतान कोई कंपटीशन देना चाहती है तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया है और आगे आने वाला दिन भी बढ़िया है। आज आप उसूलों के पक्के रहेंगे, लोकप्रिय रहेंगे, सभी के चहेते रहेंगे, प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी, नए मित्रों का मिलना जारी रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज सभी लोग प्रसन्न रहने वाले हैं कन्या राशि के। तो शुरुआत इतनी बढ़िया है तो महीने का अंत भी बढ़िया होगा और 2019 का प्रारंभ भी बढ़िया होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं दो सीख, आज आपको इसको हमेशा ध्यान में रखना है। नंबर 1, धन जोड़ने का प्रयास करें, धन कमा लिया उसका अपव्यय ना करें और किसी भी प्रकार से अपने धन को जोड़ें। नंबर 2, किसी को गुस्से में आकर अपशब्द ना बोलें, अहंकार में आकर किसी का अपमान ना करें। यदि आप इतना कर ले गए तो आज आपका दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। अब बात करते हैं उस महा उपाय की, क्योंकि जब हम प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, हमारा दिन बढ़िया होता है तो हमारे दुश्मन भी हमसे जलते हैं, हमें नज़र लगती है, हमें नज़र दोष लगता है, हम परेशान रहते हैं। आज के दिन आप किसी शिवालय में जाकर चावल का दान करें और 1 लोटा जल, उसमें कुछ पुष्प, थोड़ा सा दूध और चावल मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का बोलते हुए जल को भगवान शिव पर
चढ़ाएं, साथ ही साथ माँ पर्वत साथ ही साथ माँ पार्वती का भी ध्यान करें। गणपति गणेश से अपने दिन को शुभ बनाने के लिए प्रार्थना करें और यदि हो सके तो शिवालय में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। इतना मात्र करने से, मात्र 15 मिनट देने से आपका दिन बहुत ही बेहतरीन होगा, शुभ होगा और सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं से आपकी रक्षा ईश्वर करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ दिन शुभ जाए, खुश रहें आप। हरिओम, नमस्कार।